सो गाइस, इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कवाली पर ढोलक कैसे बजाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस कवाली को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए एक एक चीज़। इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और काम की बात ये है कि खेमटे के सारे गाने सारे भजन तैयार हो जाएंगे ये वीडियो देखकर, क्योंकि सबका काम एक जैसा होता है। अभी बताता हूँ, उससे पहले इस कवाली के साथ थोड़ा ओरिजिनल गाना नहीं यूज़ कर सकता कॉपीराइट की वजह से, नॉर्मली सुनाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इस कवाली के साथ बजाकर दिखाया, पहले फिलर से शुरू किया था, फिलर उठान कुछ भी बोलो उसके साथ शुरू किया था, फिर बेसिक ठेका बजाया, फिर एक वेरिएशन मतलब दूसरा पैटर्न वो बजाया, वेरिएशन बजाई, फिर फिलर बजाकर दोबारा बेसिक ठेके पे आए। यही काम आपका हर गाने में, हर भजन में, हर जगह होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, दगा बाज रहे सेम ताल पे गाना है, सुनिए जरा। दिया होगा आपने, दोनों में सेम तरह का काम हुआ है। तो यही हर गाने में होना है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए, बिना फॉरवर्ड स्किप करे हुए, एक भी स्टेप मिस हो गया तो सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों में से जो नए हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है अनुज लोधी और इस चैनल पे हम ऐसे ढोलक तबला से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस डालते हैं। आगे भी देखना चाहते हैं अभी सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड बटन दबाकर, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, तभी मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी जो भी मैं आगे अपलोड करूंगा, और आप अच्छे से देख पाएंगे, सीख पाएंगे। और गाइस, लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए कि वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और मुझे भी आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। खासकर ये जो नई वीडियोज़ हैं इन पर तो आप बहुत अच्छे लाइक्स दे रहे हैं, भर भर के लाइक्स दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही चला रहे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, कमेंट करके बताइए कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, रिक्वेस्ट हो। जैसे इस वीडियो के लिए आपने कमेंट किए थे बहुत सारे लोगों ने, तब आपके लिए ये वीडियो बन रही है। जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं किसी एक वीडियो के लिए, ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, राइट। तो कमेंट करके बताइए जो भी आप चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठेका बज रहा है खेमटा ताल, जिसको दादरा ताल भी बोलते हैं। मात्राएं हैं 6, बजाना बहुत आसान है। देखिए क्या है, और ये कवाली है, खुले बोल भी लगते हैं, बताऊंगा कैसे खुले बोल बजाने हैं इसमें। धा ती ना ता धी ना, बहुत सिंपल है। धा ती ना ता धी ना, उल्टा बजा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल उल्टा बजा रहा हूं। तो इस तरह, ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका है बजाने का, तो बोल थोड़े उल्टे बजा रहा हूं। देखिए, धा बजाया लोअर फिंगर्स के साथ बेस, धा फिर ती भी लोअर फिंगर से और ना ऊपर से, दोनों बार ना ऊपर से बजेगा, बाकी सारा काम नीचे से होगा। धा ती ना और ता भी नीचे से, और धी में बेस के साथ स्लाइड, लोअर फिंगर्स के साथ और ना। तो पूरा पैटर्न देखिए, धा ती ना ता धी ना, 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 धा ती ना ता धी ना। पहले स्लो ही ट्राई कीजिएगा। अब ये बजाया हमने नॉर्मल पैटर्न, अब इसको अगर प्रोफेशनल और अच्छा बनाना है तो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, बेस साइड को थोड़ा और बढ़िया करेंगे। तो धा ती ना की जगह हम धा धी ना बजाएंगे, धा धी ना ता धी ना, ये बन जाएगा। कैसे बजाना है, तो इसमें धा आगे ले जाएंगे बेस में, धा लोअर फिंगर्स के साथ बेस आगे गया है, धा और धी में लोअर फिंगर्स के साथ ही बट बेस पीछे आ रहा है, धा धी, धा धी, इसमें ध्यान दीजिएगा, धा धी ना ता धी ना। पूरे को बजाते हैं, धा धी ना ता धी ना, धा धी ना ता धी ना। अब ध्यान देंगे, मैंने इसमें खुला एक बोल बजाया था,
नहीं कर रहा हूं, एक धा खुला बजा रहा हूं एक आवर्तन के बाद, मतलब कि धा धीना ता धीना, 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 एक धा धा धीना ता धीना है, पूरी साइकिल बंद से बजाई और फिर उसमें अगली साइकिल में धा जो पहला है वो खुला ले लिया, बस इतना ही हुआ है काम। अब देखते हैं गाना शुरू किए कहाँ से किया था हमने, जो कवाली थी स्टार्ट कैसे की थी, तो जहाँ से आएगा लौट कर, जहाँ से ये वर्ड आएगा लौट कर, वहाँ से आप बजाना स्टार्ट कर सकते हैं, न न न न न न ये वाला फिलर। तो क्या है, ता 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 तेरे किट धिन ता। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले किसी ने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, 4000 प्लस मैसेज उस पर अभी पेंडिंग है, सबको रोज रिप्लाई करता हूँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करा करें ताकि सबसे बात हो सके। और वो बहुत सारे लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, जिनसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू सिखाता हूँ 1-to-1, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं। मैंने एक अपनी लाइव क्लास की भी वीडियो डाली थी, देख लीजिए, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा वो कैसे सिखाता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने देश में अपनी कंट्री में ही ट्राई कीजिए, आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा पर क्वालिटी देखिए एक बार, बेस्ट क्वालिटी ही इंस्ट्रूमेंट लीजिए, तो पहले खुद ट्राई कीजिए, नहीं बात बन रही कहीं पे भी अच्छा नहीं मिल रहा तब आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट, आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। चलिए नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया फिलर ता 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 तेरे किटे धिन ता, बजाना कैसे देखिए, ता 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 ऊपर वाली उंगली से ता 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 और तीनों के साथ ये बेस में स्लैप बजेगी ता ता ता, उसके बाद हल्का सा गैप देकर ता तेरे किटे धिन ता, ये कैसे बजाना है, ता दोनों साथ में फिर तीरा किटे और धिन ता, या फिर ये जो धिन में नीचे से बजा रहा हूं ऊपर से भी बजा सकते हैं ता तेरे किटे धिन धिन्ता, धिन्ता, राइट? ता तेरे किट धिन्ता। और ये खाली फिलर इतना सा भी है, ता तेरे किट धिन्ता, ये भी बजता है, ता 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 तेरे किट धिन्ता, पूरी छह मात्रा कवर करेगा, ता तेरे किट धिन्ता ओनली थ्री मात्रा कवर करेगा, बस इतना सा फर्क है। चलिए इसके बाद मैंने एक वेरिएशन बजाई है, बड़े काम की है, मैं ट्रस्ट मी हर गाने में यूज होगा, सीखिए ध्यान से सीखिए, थोड़ी सी मुश्किल है पर ध्यान से सीखिएगा जो हम बजा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन बजाएंगे, और साउथ के जितने भी गाने उनमें भी यूज होती है ये, बॉलीवुड सॉन्ग्स में तो होती है और भजन्स में भी यूज होगा, बड़े काम का है, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अलग है, कैसे बजाना देखिए, बोल हैं धा तिट ता तिट ता तिट ता धिट, सुनने में बहुत आसान लग रहा है पर बजाने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें नॉर्मल बोल नहीं बजेंगे, हर कहीं पे बेस बजेगा, तो वो देखिए जरा, धा बजाया, धा में इंडेक्स फिंगर और बेस के साथ खुला, धा ती और टा के साथ बेस आगे जा रहा है, तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, धा ती टा, धा ती टा और आगे फिर ता ती टा, इसमें कुछ नहीं बजेगा, पहले रिकमेंड करूंगा इतना स्लो ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ता बजाया, ती बजाया, ट के साथ बेस बजाया, फिर ता ती ट नॉर्मल बजाया, आगे बढ़े तो ता थपकी से, ती और ट के साथ दोबारा बेस, राइट, दोबारा देखिए स्टार्टिंग से ही, ता ती और ट के साथ बेस, फिर ता ती ट बिना बेस के, फिर ता थपकी से और ती फिर ट के साथ बेस, इतना क्लियर है, लास्ट में थोड़ा सा बचा है, लास्ट में इसके बाद बजेगा ता धी ता, अब इसमें धी मतलब इसके साथ बेस है, धी ट ता धी के साथ बेस और ट ता धी ट पूरा बजाते हैं बिल्कुल स्लो, इसी स्पीड पे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए धा ती और ट के साथ बेस, ता ती ट विदाउट बेस, थपकी और ती ट के साथ बेस, फिर ता धी के साथ बेस और ट, स्लोली बजाते हैं यही पैटर्न,
और इसी को खुला भी बजा सकते हैं। बीच के फिलर की मैंने बात की कि इस मेन पैटर्न से जो ठेका है उसके बाद इस वेरिएशन पे वही तात्र गृद्धिन्ता नॉर्मल यूज करेंगे जैसे कि ठेका बजा रहे हैं।